धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, हम लोगों को यह सोचना चाहिए कि हमें यह जीवन क्यों मिला है और जीवन का उद्देश्य क्या है। जीवन का जो उद्देश्य है उसको पाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं। जीवन मनुष्य को भी मिला है, पशु पक्षी को भी मिला है। अपने ढंग से मनुष्य जीवन जीता है, अपने ढंग से पशु पक्षी भी जीवन जीता है। जीवन को खाली जी लेना मात्र कोई बड़ी बात नहीं है। जिसके लिए जीवन मिला है वह काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। सुबह से शाम तक पशु पक्षी भी अपना पेट भर लेते हैं, आदमी भी पेट भर लेता है, वो भी खा पी लेता है, लेकिन क्या पेट भरना मात्र ही जीवन का उद्देश्य है? इसके बाद और कुछ नहीं। अधिक हुआ तो बच्चे पैदा कर लेना और उन बच्चों का पालन पोषण कर लेना, क्या इतने के लिए जीवन मिला है? यह काम तो पशु पक्षी भी अच्छे ढंग से कर लेते हैं। दुनिया में हर प्राणी अपना पेट भर लेता है, बच्चे पैदा कर लेता है और उन बच्चों को पाल पोष लेता है। छोटी सी चिड़िया है, अंडे देती है, अंडे का सेवन करती है, अंडे से बच्चे निकलते हैं, तो कहां कहां से उड़ करके चिड़िया उनके लिए दाना ले आती है और बच्चों को चुगाती है और भी पाल पोस देती है। अन्य जानवर भी पाल पोस लेते हैं, लेकिन बच्चों के पालन पोषण को लेकर, बच्चों की भावी जिंदगी को लेकर पशु पक्षी चिंतित नहीं होते। किसी भी पशु को, किसी पक्षी को यह चिंता बिल्कुल ही नहीं है कि कल मेरे बच्चे क्या खाएंगे और मैं नहीं रहूंगा तो मेरे बच्चों का क्या होगा। जबकि पशु पक्षियों के पास कोई खजाना नहीं है, उनका कोई ऐसा मकान नहीं है जहां अनाज का वे संग्रह किए हों, खाने पीने का संग्रह किए हों। कहीं कोई बैंक भी नहीं है उनके लिए जहां कुछ वो रुपये पैसे जमा कर दें। संपत्ति के नाम पर उनके पास कुछ भी नहीं होता है, लेकिन वे चिंतित नहीं है, भयभीत नहीं है। आदमी को देखें, आदमी दुनिया का सिरमौर प्राणी माना जाता है, लेकिन अपने बच्चों के जीवन को लेकर कितना चिंतित है आदमी, मेरे न रहने के बाद बच्चों का क्या होगा, कल क्या खाएंगे। आपके पास खेत है, खलिहान है, घर में अनाज कुछ न कुछ भरा है, कुछ रुपये पैसे भी हैं, रहने को सुंदर मकान भी है, फिर भी चिंता। और जानवर के पास कुछ भी नहीं है, फिर भी निश्चिंत। कितना विपरीत है। कहा जाता है कि यह मानव जीवन भवसागर को पार करने के लिए मिला हुआ है और भवसागर को पार केवल मनुष्य ही कर सकता है, लेकिन भवसागर में जितना आदमी डूबता है उतना दूसरा जानवर कोई डूबता ही नहीं है। भवसागर कहीं बाहर नहीं है, जहां आदमी डूबता हो और जिसे तैर करके पार करना होता हो।
भवसागर है मन, इच्छा करी भवसागर। सदगुरु कबीर ने कहा है मन में जो इच्छाएं उड़ती हैं, कामनाएं उड़ती हैं, लालसाएं उड़ती हैं, मन में तमाम प्रकार की जो वासनाएं होती हैं, यही भवसागर है। और आदमी अपने मन के भवसागर में रात दिन डूब रहा है, हर समय डूबा हुआ है। मन के इस भवसागर को पार करके अनंत सुख की प्राप्ति, यही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। और क्या हम इसके लिए काम कर रहे हैं? हर दिन आदमी डूब तो रहा है, हर समय आदमी के मन में कितनी कितनी इच्छाएं हैं, कितनी कितनी इच्छाएं हैं, और कितनी चिंता है आदमी को। जितनी ज्यादा इच्छा कामना होगी, जितनी ज्यादा सांसारिक पदार्थों की लालसा होगी, उतनी ज्यादा चिंता होगी, उतना ज्यादा भय होगा। भय और चिंता का कारण बाहर नहीं है, भय और चिंता का कारण है पदार्थों की संगति, प्राणियों की संगति, और उनके लिए और उनके कारण मन में होने वाला लोभ और मोह। जब तक जीवन है, प्राणियों के बीच जीवन गुजरेगा, पदार्थों का उपयोग करना पड़ेगा। ऐसा कोई उपाय नहीं है कि हम पदार्थों का उपयोग न करें और जीवन चल जाए। जीवन चलाना है, जीवित रहना है, पदार्थों का उपयोग करना पड़ेगा। और कुछ भी न करो, कपड़े न पहनो तो भी चलेगा। देखो जैनों में दिगंबरी संत होते हैं, कपड़े कहां पहनते हैं? जानवर तो कपड़े पहनते ही नहीं है, पशु पक्षियों को कपड़े की जरूरत भी नहीं है, आदमी ही कपड़े पहनता है। लेकिन उनमें दिगंबरी संत जो होते हैं जैनों में, वे कपड़े नहीं पहनते और उनका जीवन चल रहा है। मकान में न रहो तो भी जीवन चल सकता है। कुछ दिन कठिनाई होगी, ठंडी से, गर्मी से, बरसात से, लेकिन आप अभ्यास बना लें, मुझे मकान में नहीं रहना है। कुछ दिन में अभ्यास हो जाएगा और मकान में रहे बिना भी जीवन चल जाएगा। लेकिन आप और हम यह सोचें मुझे भोजन ही नहीं करना है और जीवित रहना है, तो नहीं चलेगा। खाना तो पड़ेगा, कुछ भी खाओ। आप रोटी सब्जी दाल भात नहीं खाते, फल खाते हैं, फल भी नहीं खाते, दूध पीते हैं, कुछ तो लेना पड़ेगा जीवन के लिए। तो जीवन ऐसा है कि पदार्थों का उपयोग करना पड़ेगा, इनसे हम बच नहीं सकते, और उपयोग किए बिना जीवन जी नहीं सकते। और साथ साथ प्राणियों का संपर्क करना पड़ेगा, प्राणियों में मनुष्य प्राणी संपर्क करना पड़ेगा। आखिर भोजन कहां से मिलेगा? मनुष्य समाज से तो मिलेगा ना। भोजन के उपयोगी जो पदार्थ हैं, आप खेती करते हैं, खेत में फसल पैदा करते हैं, लेकिन खाद चाहिए आपको, दूसरे मनुष्य के पास जाना पड़ेगा, दवाई चाहिए, दूसरे मनुष्य के पास जाना पड़ेगा। कहां से खाद आप बनाएंगे, कि लोहा आप बनाओगे, कि दवाई आप बनाओगे, कि क्या क्या बनाओगे आप? अन्य मनुष्यों से संपर्क रखना पड़ेगा, अकेले रहेंगे नहीं, रहेंगे परिवार में रहेंगे, परिवार का त्याग कर दिए तो साधु समाज में रहेंगे, और दोनों जगह मनुष्य। तो जीवन ऐसा है कि प्राणियों में मनुष्यों के बीच रहना होगा, पदार्थों का उपयोग करना होगा, लेकिन सावधानी यह रखनी है कि प्राणियों मनुष्यों के बीच रहते हुए भी किसी के प्रति ममता ना बने और किसी के प्रति बैर ना बने, राग और द्वेष की गांठ ना बनने पाए।
जहां राग और द्वेष की गांठ बनी, दुख शुरू हुआ, भय शुरू हुआ और चिंता शुरू हुई। चिंता का कारण प्राणी और पदार्थ नहीं है, उनके प्रति प्राणियों के प्रति राग और द्वेष और पदार्थों के प्रति लोभ। जितना लोभ बढ़ेगा, जितनी उनके प्रति आसक्ति बढ़ेगी, उतना ही भय बढ़ेगा, चिंता बढ़ेगी। अब भय चिंता जहां ये आए, जीवन को समग्रता के साथ सुखपूर्वक जिया नहीं जा सकता। पदार्थों को उपयोग करें लेकिन लोभ छोड़कर, आसक्ति छोड़कर उपयोग करें। प्राणियों के बीच जीवन गुजर करें लेकिन राग द्वेष की गांठ न बनाएं। जिसके प्रति राग होगा उसे अधिक से अधिक सुविधा पहुंचाने की बात आएगी, ये मेरे लिए अनुकूल है, ये मेरे लिए ऐसा काम करते हैं, जिनके लिए मैं ऐसा करूं, अधिक से अधिक उन्हें सुविधा पहुंचाने की बात आएगी। और जिसके प्रति द्वेष होगा उसका नुकसान करने का मन होगा, इन्होंने मुझे ऐसा कहा था तो इसका इसे इस प्रकार से दुख पहुंचाऊं, इसका नुकसान करूं, दोनों तरफ गड़बड़ हुआ मामला। राग जहां आएगा फिर छल कपट शुरू हो जाएगा, पक्षपात शुरू होगा, और छल कपट पक्षपात रख करके परिवार में एकता नहीं हो सकती, सुख से नहीं जिया जा सकता। देश जहां आएगा विरोध का भाव आएगा, दुख देने का भाव आएगा और मिटाने का भाव आएगा, और किसी को दुख दे करके जीवन को सुख से नहीं जिया जा सकता है। क्योंकि हम किसी को दुख देते हैं तो परिणाम में हमें दुख मिलना ही मिलना है। और सच तो यह है, दूसरों को दुख कौन देता है? जो आदमी स्वयं दुखी होता है वही दूसरों को दुख देता है। जो दुखी नहीं होगा वह किसी को दुख नहीं दे सकता है। जिस आदमी के पास धन नहीं है, बिल्कुल एक रुपया भी नहीं है, वह दान कैसे कर सकता? रुपया किसी को कहां से ला करके देगा? जब होगा उसके पास तभी तो वो दान करेगा, तभी दूसरे को रुपया देगा। जिस आदमी के पास जमीन नहीं है वह आदमी दूसरे को जमीन कैसे दे सकता है? पहले जमीन होगी, उसी में से कुछ निकाल करके अमुक जमीन बेचा आपको देता हूं, जमीन दे सकता है। जिस आदमी के पास मकान नहीं है वह दूसरे को मकान नहीं दे सकता। जिस आदमी के पास विद्या नहीं है वह आदमी दूसरे को विद्या नहीं दे सकता। जो हम देना चाहते हैं वह चीज हमारे पास पहले होनी चाहिए। इसी प्रकार यदि आपके पास दुख नहीं है तो दूसरे को दुख कैसे दोगे? मेरे पास दुख नहीं है तो दूसरे को मुझमें दुख कहां से दूंगा? मैं दूसरों को दुख देता हूं, इसका मतलब यह है कि मैं स्वयं दुखी हूं। और जितना ही मैं दूसरों को दुख देता जाऊंगा उतना मेरा दुख बढ़ता चला जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैं दूसरों को दुख देता जाऊंगा तो मेरा दुख घटता चला जाएगा। जितना ही दुख देता जाऊंगा उतना ही दुख बढ़ता जाएगा। व्यवहार का जो कुछ क्षेत्र है और मन का जो क्षेत्र है, दोनों में कई जगह अंतर होता है। गणित का एक नियम है कि किसी चीज को जितना बांटते जाओगे वह चीज उतनी घटती चली जाएगी। लेकिन यह केवल व्यवहार की बात है, भौतिक क्षेत्र की बात है, मानसिक क्षेत्र की बात नहीं है। मेरे पास 100 रुपये हैं और मैं सोचूं कि 100 रुपये मेरे पास है, एक एक रुपये 100 आदमी को बांट दूं, और मैंने बांटना शुरू किया, एक एक रुपये 100 आदमी को मैंने बांट दिया, 100 रुपये थे, एक एक रुपये 100 आदमी को बांटा,
मेरे पास क्या बचा? कुछ नहीं बचा, सारा रुपया खाली हो गया, क्योंकि 100 रुपये 100 आदमी मार दिया तो मेरे पास कुछ नहीं बचा। ये बाहर का नियम है, भौतिक क्षेत्र का नियम है, लेकिन मेरे पास एक दुख है और 100 आदमी को मैं दुख देता हूं तो मेरा दुख 100 गुना बढ़ जाएगा, घटेगा नहीं यहां पर। इसलिए यदि हम दुख से बचना चाहते हैं तो जानबूझकर कभी किसी को दुख न दे, और दुख देते हैं तो दुख मिलेगा ही मिलेगा। आप कहीं भी चले जाएं, बच नहीं सकते, आपका दुख आपको खोजते खोजते वहां पहुंच जाएगा, खोजना भी नहीं पड़ेगा, वो तो निरंतर आपके साथ रहेगा। और किसी को दुख दे करके चाहे कैसी पूजा करो, कैसा पाठ करो, हवन करो, तर्पण करो, किसी गुरु पीर भगवान अल्लाह भवानी को मनाओ, कुछ होने वाला नहीं है। कबीर कमाई आपनी, निष्फल कभी ना जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहां से खाए। साहब कहते हैं अपनी जो कमाई है, अपने जो कर्म है, कभी निष्फल नहीं जा सकते। बबूल का बीज बोकर आम के फल खाने की इच्छा करना अपने आप को धोखा देना है। आप अभी तो ये गर्मी का महीना है, बबूल के पेड़ में फूल फल आते ही हैं इस समय, कहीं से बबूल के बीज बिन करके ले आए और आपका जो बढ़िया सा बढ़िया खेत हो, एकदम उपजाऊ खेत, उस उपजाऊ खेत में खूब खाद पानी दे दो और बबूल के बीज को बो दो, और बबूल का बीज बोने के बाद रोज उस बबूल के बीज को गंगा के जल से सींचो और वहां बैठ करके किसी धर्म ग्रंथ का पाठ करो, जिस पर आपका विश्वास है उस भगवान का नाम जपो, जिसे आप मानते हैं उस मंत्र का पाठ करो और रोज आरती और वंदना करो और सोचो कि मैंने बबूल का बीज बोया है, रोज इसे गंगा जल से सींचा है, यहां वेद शास्त्र का पाठ किया है, कुरान बाइबिल का पाठ किया है, बीजक का ही पाठ किया है और भगवान का नाम जब है पूजा किया है, अब बबूल बीज में कांटा नहीं आएंगे, इसमें तो गेंदा का फूल आएगा, होगा कभी? तो जब गंगा का जल, भगवान का नाम, वेद का शास्त्र, कुरान का पाठ, बीजक का पाठ, बबूल के बीज से में से कांटा को हटाकर गेंदा का फूल नहीं ला सकता, तो आपने जो पाप किया है उस पाप के फल को काट कैसे पाएगा? जरा सोचिए, दुख नहीं चाहते हैं तो पाप न करो, गलत कर्म न करो, किसी को दुख न दो, बस दुख मिलेगा ही नहीं, सुख बांटते चलो, सुख बांटते चलेंगे अपने आप सुख आपको मिलेगा, खोजना नहीं पड़ेगा, किसी को पुकारना नहीं पड़ेगा, केवल एक कर्म करें, दूसरों को सुख देते चलें, सुख आपके पीछे पीछे अपने आप घूमेगा। भगवान बुद्ध ने धम्मपदम में कहा है, मनो पुब्बंगम धम्मा मनो सिठा मनोमया मन साचा पदुठे न भासति वा करोति वा ततो नम दुख मन वेति चक्कम वा बहतो पदम। इसके बाद वे कहते हैं कि मनो पुब्बंगम धम्मा मनो सिठा मनोमया मन साचा पसन्ने न भासति वा करोति वा,
ततो अनम सुख मनवेति छाया व अनपायिनी। मन पूर्वगामी है, आगे आगे चलने वाला है। हर काम में मन ही तो आगे चलता है, बिना मन के आप किसी काम को कैसे करेंगे, कैसे? तो हर काम में मन ही मन आगे आगे चलने वाला है। सभी कामों के मूल में मन होता है, और जब आदमी मनसा च पदुठेन, मन में गलत भावना रख करके बोलता है और काम करता है, तब क्या होता है, उस आदमी के पीछे पीछे दुख उसी प्रकार चलता है जैसे गाड़ी में जुते हुए बैलों के पीछे गाड़ी का पहिया चलता है। गाड़ी में बैल जुते हुए हैं, बैलों को गाड़ी का बोझा ढोना पड़ रहा है, और बैल के पैर के पीछे पहिया जरा सा भी असावधानी होती है, पहिया बैल के पैर में जाकर के रगड़ जाता है, बैल का पैर छिल जाता है। ठीक इसी प्रकार से जब हम मन में गलत भावना रख करके कोई काम करते हैं और बोलते हैं, तो दुख हमारे पीछे पीछे भार बन करके चलता रहता है, हमें दुख का बोझा ढोना पड़ता है। लेकिन जब मनसा च पद प्रसन्नेन भासति वा करोति वा, मन में अच्छी भावना रख करके, शुभ भावना रख करके बोलते हैं और काम करते हैं, तब सुख कैसे चलता है, ततो नम सुख मनवेति छाया वा अनपायिनी, तब सुख उसी प्रकार घूमता है जैसे हम जहां जाते हैं हमारे पीछे हमारी छाया चलती है, पता भी नहीं चलता है। आपको कहीं अपनी छाया का बोझा ढोना पड़ता है, आपको कहीं आज तक थके हैं, क्या कौन था जिंदगी बीत गई, छाया को ढोते धोते बहुत थक गया हूं, पता भी नहीं चलता है कि हम जा रहे हैं तो हमारे साथ हमारी छाया भी चल रही है, कोई भार नहीं है। इसी प्रकार से मन जब संतुलित है, संयमित है, विकार रहित है, प्रसन्न है, और प्रसन्न मन से विकारहीन होकर के अच्छी भावना रख करके जब बोलते हैं, काम करते हैं, तब छाया के समान सुख आपके पीछे पीछे जिंदगी भर आपके साथ घूमता रहेगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन ऐसा न करें, मन में गलत भावना है, कर्म गलत है, किसी को दुख दे रहे हैं, और सुख को पकड़ना चाहें, सुख पकड़ेगा नहीं, सुख पकड़ में नहीं आएगा। आप और हम अपनी छाया को पकड़ना चाहें और ये सोचे कि छाया को पकड़ करके अपने बस में रख, तो जिधर छाया है उस तरफ बढ़ते जाएं, तो क्या होगा, जितना हम बढ़ते जाएंगे छाया बढ़ती चली जाएगी, छाया कभी पकड़ में नहीं आएगी। उसकी कामना करेंगे, पकड़ने का प्रयास करेंगे, जितनी मेहनत करेंगे छाया आगे बढ़ती चली जाएगी, लेकिन आप उदास हो जाइए छाया से, मुझे कोई जरूरत नहीं छाया की। छाया से आप अपना मुख मोड़ लें, छाया की तरफ पीठ कर लें और चलें, आपके बिना चाहे आपकी छाया साथ साथ चलेगी, चाहो तो न चाहो तो चलेगी। इसी प्रकार अच्छा व्यवहार रखें, अच्छा कर्म रखें, मन में प्रसन्नता रखें, दूसरों को सुख बांटें, आपका सुख छाया के समान आपके पीछे पीछे चलेगा, सोचना नहीं पड़ेगा। गलत व्यवहार करते हैं, मन में गलत भावना रखते हैं, गलत काम करते हैं, दूसरों को दुख देते हैं, तो दुख भी आपके पीछे पीछे चलेगा। तो दुनिया है, जैसा देंगे वैसा ही लौट करके मिलेगा। मैं ये कह रहा था कि हमें यह जो जीवन मिला हुआ है, क्यों मिला हुआ है, उद्देश्य क्या है जीवन का, खाली जीवन जीना और पेट भर लेना, बच्चे पैदा कर लेना और पाल पोस लेना, इतना तो जानवर भी कर लेते हैं। और यह मजबूरी है, भोजन करना, जीवन जीना एक मजबूरी है, उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य क्या है, यह सब करते हुए आत्म शांति की प्राप्त। और आत्म शांति कैसे मिलेगी, भजन से। भजन और भोजन दो चीज है,
मैंने शुरू में कहा था कि भोजन करना तो मजबूरी है, उसके बिना जीवन जी नहीं सकते। पशु पक्षी भी भोजन करते ही हैं अपने अपने ढंग से, जैसे उनकी खुराक है। आदमी भी भोजन करता है। लेकिन भोजन करने में भी गड़बड़ी है। शुरू में ही ब्रह्मचारी केशव जी ने इस पर काफी कहा था, पशु पक्षियों का भोजन प्राकृतिक होता है, जो जिसके लिए जैसा है। शेर है वो मांस ही खाएगा, और मांस खाएगा तो उसको मिर्चा मसाला घी तेल की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस मारेगा किसी जानवर को और बस कच्चा खा जाएगा, उसका प्राकृतिक भोजन है। गाय घोड़ा है, बैल है, ऊंट है, घास चरेंगे, वो भी प्राकृतिक उनका है, उसमें उनको मिर्चा मसाला घी तेल की जरूरत नहीं है। तो जितने भी जानवर हैं सबका भोजन प्राकृतिक है, इसलिए जानवर पर मनुष्यों की अपेक्षा ज्यादा निरोगी होता है। आदमी भी भोजन करता है, लेकिन आदमी का भोजन प्राकृतिक नहीं रह गया है, कृत्रिम हो गया है। बिना घी तेल मिर्च मसाला के तो आदमी को भोजन करना मानो फांसी पर टांगना है। कितना खराब कर लिया है आदमी ने। इसीलिए सारे के सारे रोग आदमी पर ही आक्रमण कर रहे हैं। कहीं आपने देखा है कि जानवरों को भी, बैल को, घोड़े को, गाय को, साहब क्या करें, डायबिटीज हो गया है तो मैं डॉक्टर पास ले जा रहा हूं। कभी किसी गाय बैल को इंसुलिन का इंजेक्शन लगाना पड़ता है। किसी गाय घोड़ा हाथी को ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है। ये सारे के सारे रोग किसी जानवर को नहीं होते, आदमी को ही होते हैं। क्योंकि एक तो आदमी का खुराक प्राकृतिक नहीं रह गया, अप्राकृतिक भोजन कर रहा है आदमी। दूसरा, आदमी मानसिक रोग से, चिंता से घिरा हुआ है। जितनी ज्यादा चिंता करेंगे उतने रोग को आप बुलाएंगे। जानवरों के पास कोई चिंता नहीं, मैंने कहा था, उनके पास कोई संपत्ति नहीं है, ना घर है, ना खेत है, ना खलिहान है, ना घर में अनाज का ढेर है, ना रुपया पैसे, कुछ भी नहीं है, फिर भी वे निश्चिंत। किसी गाय को या बैल घोड़े को आप घास दे दो, बढ़िया से बढ़िया हरी हरी घास दे दो, गाय खाएगी जितना पेट भर जाएगा, पेट भरने के बाद उसी पर बैठ जाएगी, उसी पर पेशाब कर देगी, उसी पर गोबर कर देगी और सब खराब कर देगी। ये नहीं सोचेगी कि चलो इसको कल बचा करके रखूं, मतलब ही नहीं उससे, सोचती ही नहीं है, उसका पेट भर रहा है। पेट तो हमारा और आपका भी रोज रोज भर रहा है। जब से हम लगा और आप जन्म लिए हैं तब से कभी ऐसा नहीं गया हो कि खाली पेट रहना, भूखे रहना हो। कोई कारण पड़ गया हो, काम धाम कारण, वो अलग बात है, लेकिन हम लोगों को रोज चिंता होती है। और इतनी चिंता थोड़े होती है, आदमी ये सोचता है कि मेरे नहीं रहने पर मेरे बाल बच्चों का क्या होगा, वे कैसे जिएंगे। लगता है कि आने वाली जो पीढ़ी है ना, उनके मुंह और पेट तो होगा, हाथ और पैर नहीं होंगे। इसलिए आदमी सोचता है मेरी आगे आने वाली पीढ़ी है, उनके मुंह होगा, पेट होगा, खाना तो पड़ेगा, हाथ पैर नहीं होंगे तो क्या करूं, क्या करेंगे वो, इसलिए उनके लिए मैं अभी से कमा कमा करके भर दूं। तो कितनी पीढ़ी की आप व्यवस्था करोगे भाई, 10, 20, 25, 50, 100, 200, कितनी पीढ़ी की व्यवस्था करोगे। मेहनत करो, खूब खाओ खिलाओ, बचेगा स्वाभाविक रूप से,
बच्चों को मिल जाएगा, चिंता क्यों करना है। और दुर्भाग्य तो यह जो जवान हैं, जिन्हें अधिक दिन जीना है उनको चिंता कम होती है, जो बूढ़े हैं जिन्हें जल्दी मरना है उनको चिंता ज्यादा होती है। अरे चिंता करनी चाहिए जवानों को, अभी हमें बहुत दिन जीना है, आगे क्या होगा, लेकिन वो निश्चिंत है। अब बूढ़े जिनको जल्दी मरना है वो सोचते हैं कि कैसे होगा, कैसे जीवन चलेगा। और उसी चिंता में वे रात दिन पीड़ित रहते हैं। इलाहाबाद की बात है, एक सेठ समय समय से गुरुदेव जी के पास मिलने के लिए आया करते थे। तो एक दिन उन्होंने कहा, गुरु जी मुझे बहुत चिंता रहती है, चिंता कारण कभी कभी नींद नहीं आती। तो गुरु जी ने पूछा, क्यों, क्या कारण? कहे, महाराज कुछ मालूम नहीं है, महाराज आपकी दया से किसी बात की कमी नहीं है। तीन लड़के हैं, तीनों की अलग अलग दुकान है, दुकान खूब चलती है और खूब अच्छी आमदनी होती है। तीनों लड़के के अलग अलग मकान हैं, बहू बेटे सब आज्ञाकारी हैं। मैं चाहूं तो दुकान में बैठूं, ना चाहूं तो दुकान में ना बैठूं, और जिस दुकान में चाहूं उस दुकान में बैठूं, बच्चों को इसे कोई लेना देना नहीं, महाराज मैं पूरे तरह से निवृत्त हूं। और मकान के तीसरे तल्ले पर बच्चों ने मेरे लिए मंदिर बना दिया है कि मैं सुबह शाम पूजा करूं। बच्चे भी आज्ञाकारी हैं, बहुएं भी आज्ञाकारी हैं। कहीं मैं जाना चाहता हूं और कहता हूं बेटा 2000 रुपये की जरूरत है, तो बच्चे 6000 ला करके रख देते हैं, पिताजी लीजिए जितना जरूरत उतना करें। महाराज सब संपन्न है, कोई कमी नहीं है, लेकिन महाराज नींद नहीं आती है, चिंता होती है। तो गुरुजी ने पूछा, चिंता क्यों होती है, कारण क्या है? कि महाराज कुछ समझ में नहीं आता। तो गुरुजी ने कहा, तुम्हें ऐसा लगता होगा कि मैं नहीं रहूंगा तो मेरे बच्चों का क्या होगा? कि बस बस महाराज यही बात है। तो गुरुजी ने कहा, जब तुम्हारे रहते रहते तीनों बेटों की दुकान अच्छी चल रही है, खूब मुनाफा हो रहा है, तीनों बच्चों के अलग अलग मकान हैं और सब संपन्न हैं, तो चिंता क्यों? ऐसा करो, ऐसा कोई उपाय करो कि 10000 साल तक जीते रहो, ताकि बच्चों की प्रबंध करते रहो। कि महाराज ऐसा कैसे हो सकता है? तो जब हो नहीं सकता है तो इतनी चिंता क्यों? तो आदमी ऐसा है, चिंता अपने लिए नहीं करता, चिंता बाल बच्चों के लिए करता। सद्गुरु कबीर ने कहा, आप मरे और अलग रोई, स्वयं मर रहा है और दूसरों के लिए चिंता कर रहा है। कभी आदमी जीवित रहेगा ना तो लड़के के लड़के लड़के के 10 पीढ़ी तक के वो बच्चों खिलाते पिलाते रह जाएगा, भजन साधना कल्याण का काम नहीं करेगा। कितना भटक गए है आदमी। और कई जगह तो जो बुजुर्ग लोग होते हैं वे अपने बच्चों से कहते भी हैं, अरे बच्चों मेरे रहते रहते जो कुछ खाना पीना हो खा लो, मैं नहीं रहूंगा तो तुम्हें कटोरा लेकर के भीख मांगना पड़ेगा। मेरे बुजुर्गों को बूढ़ों को ये लगता है कि मैं हूं तभी गृहस्थी चल रही है। अरे आप रहो या न रहो, अनादिकाल से दुनिया चलती रही है, चलती रहेगी। बूढ़े सोचते हैं हम जब नहीं रहेंगे तो परिवार का क्या होगा, जवान सोचते हैं ये बूढ़ा कब मरे तो घर का मालिक मैं बनूं। कैसी दुनिया है। तो आदमी रात दिन अपने को दुनिया से जोड़ जोड़ करके चिंता कर रहा है। दुनिया अनादिकाल से चल रही है, चलती रहेगी, कभी इसका काम रुकेगा नहीं। और अनादिकाल की दुनिया में हमने सब कुछ किया, एक काम नहीं किया, आत्मकल्याण का काम।
भवबंधनों से छुटकारा पाने का काम। और आज भी उधर से हम पूरी तरह से गाफिल हैं, और जबकि उसी के लिए हमें मनुष्य जीवन मिला है। मैंने कहा था कि भोजन तो हर प्राणी कर लेता है, लेकिन आदमी के अलावा भजन कोई दूसरा नहीं कर सकता, केवल आदमी ही भजन कर सकता है। लेकिन आदमी भजन को भूल गया है, भजन नहीं करेगा। यहां भजन करने का अर्थ यह मत समझना कि भजन गाना, भजन गाना अलग बात है और भजन करना अलग बात है। कोई भजन गाता है वो भी अच्छा है, भजन गाता है तो मन अच्छा रहता है, सुनने वाले को आनंद आता है, अच्छी प्रेरणा मिलती है। लेकिन खाली भजन गाने से काम नहीं बनेगा, काम बनेगा भजन करने से। और भजन करना क्या है? भजन करना है आत्मचिंतन करना, अपने आप को निखारना, बैठना, एकांत में बैठें और एकांत में बैठ करके ये सोचें कि मैं कौन हूं, ये जीवन क्यों मिला है, जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं शरीर हूं या शरीर से अलग हूं। शरीर तो बार बार छूट रहा है, शरीर तो रोज बदल रहा है, लेकिन मैं तो नहीं बदल रहा हूं। मैं शरीर नहीं हूं, शरीर से अलग, शरीर में रहने वाला शुद्ध चेतन जीव हूं, और मैं स्वरूप से असंग हूं, अकेला आया हूं, अकेला जाना हूं, अंत में मेरा कोई साथी नहीं है। अपने उस असंग भाव को ख्याल रखना और उस दशा में जीने के लिए मन को तैयार रखना। और मन को तैयार रखने का अर्थ क्या होगा? राग द्वेष, अहंता ममता, लोभ मोह से मन को दूर रखना। कहा था मैंने कि प्राणियों के बीच जीवन चलेगा, पदार्थों के बीच जीवन चलेगा, लेकिन प्राणियों के प्रति कहीं अहंता ममता ना हो, राग द्वेष ना हो, पदार्थों के प्रति लोभ ना हो, आसक्ति ना हो। जहां रहें जो पदार्थ आए मिले उनका सदुपयोग करें, दुरुपयोग किसी का ना करें। जिन लोगों के बीच रहते हैं उनके साथ बढ़िया से बढ़िया मधुर व्यवहार और प्रेम का व्यवहार करें। ये सोचें कि मैं दूसरों की कितनी अधिक से अधिक सेवा कर सकता हूं, घर में, परिवार में, समाज में, जहां मैं रहता हूं, लोगों को मैं अधिक से अधिक क्या दे सकता हूं, कितनी उनकी सेवा कर सकता हूं, कैसे सुंदर व्यवहार कर सकता हूं, यह सोचें और अधिक से अधिक सेवा करने का, सुंदर व्यवहार करने का प्रयास करें, सबको प्रेम बांटें। लेकिन सेवा करते हुए, सबको प्रेम देते हुए, सबसे अपने मन को अनासक्त बना करके रखें। ये सोचें कि आज कल में बस इस दुनिया से मुझे चला जाना है, वो अवसर निरंतर आ रहा है दुनिया से जाने का, और दुनिया से जब जाऊंगा तो कोई काम नहीं आएगा, मुझे अकेला ही जाना होगा, इसलिए अकेला ही जाना है। तब सबसे अनासक्त रखें मन को, आसक्ति ही बंधन है और अनासक्ति ही मोक्ष है। तो सबको प्रेम दें, सबकी सेवा करें, ऐसा करेंगे तो जीवन स्वर्ग बन जाएगा। और सबसे मन को अनासक्त रखेंगे, सबसे ऊपर उठा करके सोचे कि सब सब छूटने वाला है, मैं शुद्ध अकेला हूं, इस भाव में मन को रखेंगे तो जीते जी मोक्ष का अनुभव हो जाएगा। तो जीवन को देश मोक्ष की प्राप्ति, और मरने के बाद नहीं, इसी जीवन में। और कैसे होगा? जब सबके साथ सुंदर व्यवहार होगा, यथासंभव सेवा होगी, और सबसे मन अनासक्त होगा, राग द्वेष की गांठ से खुला हुआ मन होगा, तब
उसका अनुभव हो सकता है। हम लोगों को संतों के द्वारा सीख पा करके, सदग्रंथों का अध्ययन करके और समय समय से एकांत में बैठ करके ध्यान चिंतन साधना करके इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। और जिसके लिए जीवन मिला है आत्मकल्याण मोक्ष की प्राप्ति, वह काम आज ही कर लेना चाहिए। नहीं, आज यदि काम नहीं हुआ तो फिर भटकना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा। पछताना न पड़े इसके लिए आज से सावधान हो और सावधान होकर के काम करें। आप लोग धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को मैं यहीं पर विराम देता हूँ।